और स्टूडेंट है जो बैकअप के लिए आए हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार कहाँ से हो भाई? यूपी से, गोरखपुर। यूपी गोरखपुर से। संजय, आपने जो फर्स्ट ट्रेनिंग ली थी कब ली थी? सर 2020 में 28 जनवरी। 28 जनवरी 2020 में ली थी। 28 जनवरी 2020 के जब पहले आप आए थे जी सर, तो और उसके बाद 28 जनवरी की एक महीने की जो आपने क्लास ली थी, उसके जाने के बाद क्या क्या परिवर्तन था आपने? बहुत परिवर्तन हुआ सर, काम को लेके बहुत परिवर्तन। जो काम नहीं हो पाता था वो सारा होने लगा। अभी दिक्कत आने लगी सर ये डबल डेकर शिपिंग वगैरह में, और जो उस टाइम में होता नहीं था तुम्हारे टाइम में ना, जब आप तब नहीं था तब, है ना, ट्रेनिंग ली थी उस टाइम में होता नहीं था। अगर डबल डेकर सीपीयू का अगर अभी माहौल बना है तो उसके लिए आपको एशिया टेलीकॉम सपोर्ट कर रहा है जी, है ना, सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद अब बताइए मेरे को कि आपने अभी कितने दिन की क्लास ले ली आपकी? अभी सर आज दूसरा दिन। दूसरा दिन है। दूसरे दिन में जो आप डाउट्स लेके आए थे वो 50% कवर हुए कि नहीं? सर बिल्कुल सर, बिल्कुल 50% कवर हुए ना आपके। अगर यूपी गोरखपुर से कोई अगर आना चाहे, अरे तो सर बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। नहीं, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि एक महीने में क्या सीखा जा सकता है, तो एक महीने में बताइए आप कि आप खुद एक स्टूडेंट रह चुके हैं एशिया टेलीकॉम के। एक महीने में तो यहाँ पे इतना ज़्यादा सिखाया जाता है कि जितना वो ग्रहण कर ही नहीं सकता उतना, आधा भी लेके गया तो बहुत है सर, है ना। आधा अगर अगर हमने अगर 100% उसको डिलीवर कराया, अगर वो 70% भी लेके चला गया, 60% भी लेके चला गया, तो इनफ है उसके लिए। 60% में जाके काम करें, वो फिर डबल से जैसा आप बैकअप क्लास में आए जी सर, तो बैकअप क्लास में आके और अपने को अपने आप को पूरा कंप्लीट कर सकता है। तो मतलब एशिया टेलीकॉम की तरफ से या एशिया टेलीकॉम के टीचरों की तरफ से ऐसा आपको लगता है कि मतलब कोई नॉलेज की कम नॉलेज दिया आपको या 100% नॉलेज दिया? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, क्या होता है हर एक स्टूडेंट की एक कैच करने की पावर क्षमता रहती है। होता क्या कि स्टूडेंट का दिमाग कोई हार्ड डिस्क होता नहीं है कि सारी चीज़ें कैच कर लेता है, कुछ चीज़ें रह जाती है तो उसको बाद में आके पिकअप कर सकते हैं। अगर हमने इसके अंदर पिकअप करने की क्षमता, जैसे सपोज है कि आपने जनवरी में 2021 की जनवरी में पढ़ के गए आप हमसे, और हाँ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज 2021 की एक स्टूडेंट जनवरी में पढ़ के गया, तो हम उसको ड्यूरेशन देते हैं कि सर 3 महीने जो भी पढ़ा आप उस पर काम करो, और 3 महीने बाद मतलब आप उसको मार्च में या अप्रैल में आ जाओ आप, तो 3 महीने का टाइम सही है उसको देने का कि जो काम सीखा है एटलीस्ट वो तो अपना अपना करो और उसके बाद डबल से वापस आ जाओ। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर। ये सिस्टम आपको कहीं और दूसरे इंस्टीट्यूट में देखने को मिलता है? मुझे तो नहीं पता है, ऐसा सुना भी नहीं है कहीं पे कि कहीं पे 3 महीना 4 महीने के बाद बुला के दोबारा सिखाया। आप प्लेन सीपीयू करने गए, उसके बाद आप ड्यूल सीपीयू कर रहे हैं, बताइए थोड़ा अपना काम क्या कर रहे हैं आप? जी सर, ये रैम निकाला है इसका, रैम शॉर्ट है सर, रैम शॉर्ट है। थोड़ा बताइए बोर्ड को यहाँ पर सर, ये रैम चेक करने का हमको तरीका नहीं पता था कि मतलब शॉर्ट कैसे है सही कैसे है। मालूम पड़ा ना एशिया टेलीकॉम डबल से आया था, सर ने बताया और इतना आसान ट्रिक बताया, ऐसा ट्रिक बताया कि 1 सेकंड में बता सकते हैं रैम शॉर्ट है या सीपीयू शॉर्ट। ठीक है, जो क्या ट्रिक बताइए बताना नहीं हमको, नहीं है सर, ना नहीं, पूरी जनता देख रही है, पूरा भारत देख रहा है आपको, आपका चेहरा देख रहा है भारत, है ना, और आप स्टूडेंट के चेहरे पर स्माइल देख के आप मालूम कर सकते हैं कि क्या 2 दिन में इनको क्या मिला। ठीक है, क्या कहेंगे आप एक एशिया टेलीकॉम की कोई सी भी एक खूबी बताइए मेरे को? बहुत खूबी है सर, एक खूबी बताइए बहुत में से। सबसे बढ़िया यहाँ की सर जो टीचर का पढ़ाने का तरीका सर, वो सबसे बेस्ट है, है ना, स्टूडेंट पढ़ने आता है और उसको पढ़ाई पूरी मिलती है, पूरी मिलती है सर, है डेट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज डबल डेकर सीपीयू कैसे रिवॉल्व करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर, डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता है? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? कर डुअल डेकर सीपीयू, डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।